हेलो गाइस, दिस इज़ महेश कोचरा। अक्सर मुझसे सवाल किया जाता है कि आप हिंदू कम्युनिटी वाले जब आपके घर में किसी का देहांत हो जाता है तो आप लोग उसको जलाते हो या दफनाते हो। तो बाज़ औक़ात जब भी ये सवाल आता है तो हम उनको यही जवाब देते हैं कि जी नहीं, हम दफनाते हैं। लेकिन लोग हमारी इस बात पर यकीन नहीं करते, वो कहते हैं हम तो इंडिया की फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, उसमें तो हिंदू जो है वो जला देते हैं। ऐसा नहीं है, सारे हिंदू नहीं जलाते। ये कब्रिस्तान है जहाँ पर मैं आया हुआ हूँ, मेरे अकब में मेरे इर्द गिर्द आपको कब्रें नज़र आ रही हैं। ये सारी कब्रें हमारी हिंदू माहेश्वरी बिरादरी के लोगों की है, और हमारे यहाँ जो है वो दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता। और जिस तरह आप लोग में कब्रिस्तान के अंदर जो है वो एक दरगाह बनी होती है, उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में भी हमारे जो बड़े हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनकी दरगाह बनी हुई है। और इस तरीके से ये सारी कब्रें आपको नज़र आ रही होंगी मेरे अकब में, मेरे इर्द गिर्द। हम भाई जो है वो दफनाते हैं, हम जलाते नहीं हैं। और बहुत मुहसिब एक तरीका है हमारा अपने प्यारों को दफनाने का। और ये कब्र है मेरी वालदा की। हाँ, हम आए थे आज यहाँ वालदा की कब्र पे ज़्यारत करने। तो ये वालदा की कब्र है और यहाँ पर अभी हम रुके थे, यहाँ पर हमने उनको फूल वगैरह अगरबत्तियाँ जलाई, दुआएं की। तो हम जनाब दफनाते हैं, जलाते नहीं हैं। और बस यही दुआ है कि जब भी कब्रिस्तान आए दुआ करें अपने लिए, अपने प्यारों के लिए जो गुज़र गए हैं उनके लिए, ताकि उनका आखिरी का जो सफ़र है वो बआसानी गुज़रे। और यही कुछ मामलात हैं, यही कब्रें हैं, और यही हम सबकी लास्ट डेस्टिनेशन यही है। आखिरी में हम सबको यही आना है, और यही पर हम सब ने जो है वो आखिरी में कयाम करना है। तो दुआ खैर में सबको याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।